जेल की चार दीवारी में बंद वो शातिर गैंगस्टर जिसके इशारों पर खून खराबे हो रहे हैं, वो कुख्यात अपराधी जिस पर सलाखों के पीछे बैठकर गुनाह करने का इल्जाम है, हत्या रंगदारी सरीखिया 80 से ज्यादा मुकदमों में घिरा वो हिस्ट्री शीटर जिसके क्लियर टारगेट पर बॉलीवुड के दबंग है, जो खुल्लम खुल्ला सलमान खान को धमकी दे रहा है, जिस पर सलमान के सबसे करीबियों में से एक बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाने का आरोप है, उसके नए टारगेट के बारे में बेहिसाब चर्चा हो रही है। कौन है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट? किस सांसद ने लॉरेंस से जान को खतरा बताया है? सांसद को धमकी देने वाले लॉरेंस के गुर्गे ने क्या कहा? ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि जिस बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ट्रेन कर रहा है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। उस मर्डर केस बारे में नया खुलासा किया है मुंबई पुलिस ने। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या की मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये खुलासा हाल ही में लुधियाना से गिरफ्तार आरोपी सुजीत सिंह से पूछताछ के दौरान हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सुजीत सिंह से संपर्क साधा था। पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश लॉरेंस के भाई अनमोल ने रची थी। अनमोल बिश्नोई ने पुर्तगाल से वर्चुअल आईडी के जरिए सुजीत से संपर्क किया, बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश करवाने के लिए कहा। आरोप है कि इस हत्या के लिए आवश्यक हथियार और फंडिंग अनमोल ने ही उपलब्ध कराए। क्राइम ब्रांच के अनुसार अनमोल बिश्नोई पुर्तगाल से वर्चुअल आईडी +351 का उपयोग कर सुजीत से बातचीत करता था। अनमोल ने सुजीत को दो अन्य सहयोगियों मसलन शुभम लोंकर और जीशान अख्तर के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाने को कहा। पुलिस ने बताया कि सुजीत लंबे समय से जीशान अख्तर से संपर्क में था। सुजीत ने अपनी असली पहचान छुपाकर खुद को बब्बू सिंह के नाम से अपने साथियों को परिचित कराया था। सुजीत ने इन सभी को हत्या की साजिश में शामिल किया और सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी भी करवाई। और फिर 12 अक्टूबर को दशहरे की रात मुंबई में लॉरेंस के गुर्गों ने बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। शुभम लोनकर वही शख्स है जिसने फेसबुक पोस्ट के जरिए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अब तक न तो शुभम लोनकर और न ही जीशान अख्तर की गिरफ्तारी हुई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में दोनों आरोपी अब तक फरार चल रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इन दोनों की तलाश कर ही रही थी कि अब एक और सांसद को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकी मिली है। उस सांसद का नाम है राजेश रंजन यानी पप्पू यादव, जो बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं। खुद बरसों जेल में रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पप्पू यादव ने 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने की बात कही थी। अब लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने फोन कर पप्पू यादव को कुछ यूं धमकी दी है। आइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी, कितनी है ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? कर्म और कांड दोनों करते हैं। हालांकि इस ऑडियो में कितनी सत्यता है इसकी टाइम्स नाउ नवभारत पुष्टि नहीं करता, मगर पप्पू यादव डरे हुए हैं। उन्होंने बिहार के डीजीपी और आईजी से शिकायत दर्ज कराई है। देश के गृह मंत्री को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। पप्पू यादव ने कहा है कि मेरे साथ किसी भी तरह की अनहोनी घटना हो सकती है, लिहाजा सरकार को मेरी सुरक्षा को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। मैंने तो डीजी साहब से कही, मैं आईजी से कहा, मैं सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, नीतीश बाबू से, मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की सुरक्षा को लेकर के, भारत सरकार से, गृह मंत्री जी से भी मैंने बातचीत की। क्या लेटर लिखा गृह मंत्रालय? मैं बातचीत तक किया था सुरक्षा को लिए।
फोन आए उनके, मैंने उस वक्त बातचीत भी की अमित शाह जी से, फिर पत्र भी लिखा। तो सत्ता के साथ आप नहीं हैं तो आप मरिए। पप्पू यादव इसलिए भी सकते में हैं क्योंकि जिस नंबर से फोन आया है ट्रू कॉलर पर उसका नाम अज्जू लॉरेंस लिखा हुआ है। हालांकि सिर्फ फोन कॉल पर धमकी नहीं आई है पप्पू यादव को, बल्कि सोशल मीडिया पर भी सरेआम धमकाया है लॉरेंस के गुर्गे ने। मयंक सिंह नाम के शख्स ने भी सोशल मीडिया पर पप्पू को धमकाया है। उसने फेसबुक पर लिखा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि बीते दिनों बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया गया था। मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पप्पू यादव, तुम अपनी औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करने में ध्यान दो। ज्यादा इधर उधर 3-5 करते टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। यही वजह है कि सांसद पप्पू यादव ने सीधे गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है सरकार से। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे महज 2 घंटे में समूचे बिश्नोई गैंग का खात्मा कर सकते हैं। इसके बाद वे सलमान खान से मिलने के लिए मुंबई भी गए थे, लेकिन मुंबई में उनकी सलमान खान से मुलाकात नहीं हो पाई और वहां से आने के बाद अब उन्हें लगातार बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल गई हैं, जिसको लेकर पप्पू यादव अब सरकार से गुहार लगा गए हैं। जाहिर है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई जिस अंदाज में वारदातों को अंजाम देता है, जिस तरह नए लड़कों के जरिए जाल बिछाकर अपने टारगेट को हिट करता है, जिस तरह पुलिस को धोखा देकर खून खराबा करवाता है, वो डरावना भी है और व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती भी। 12 अक्टूबर को ऐसे ही सुरक्षा घेरे में रहने वाले पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई। सितंबर में कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर फायरिंग में लॉरेंस का नाम आया। जिस सलमान खान के घर के बाहर पुलिस खड़ी रहती है, वहां पर फायरिंग करवाई। 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करवाई। उससे पहले 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। ये सब वे नाम थे जो विख्यात थे। यही वजह है कि लॉरेंस ने जब पप्पू यादव को धमकी दी है तो डर नए सिरे से आकार ले रहा है। जिस कांग्रेस के नेता हैं पप्पू यादव, उस पार्टी के नेता कुछ यूं लॉरेंस का बीजेपी कनेक्शन जोड़ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सरकार मोदी जी और अमित शाह जी गुजरात से आते हैं और गुजरात से ही सारा नेटवर्क चल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। गैंगस्टर पर सियासत के बीच लॉरेंस बिश्नोई को राजनीति में उतारने की तैयारी है। महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय विकास सेना ने बांद्रा वेस्ट सीट से लॉरेंस के नाम पर नामांकन पत्र खरीदा है। लॉरेंस चुनाव लड़ेगा या नहीं, इस पर उसकी ओर से कोई सफाई नहीं आई है, मगर उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की जो पार्टी लॉरेंस को नेता बनाना चाहती है, उसके अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है कैनेडा से। लॉरेंस बिश्नोई को उत्तर भारतीय विकास सेना टिकट दे रही है और मैं पंडित सुनील शुक्ला इसका ऐलान कर चुका हूं और साबरमती जेल में हमने ये फॉर्म भी भेजा है। ये देखिए कनाडा से कैसा धमकी आ रहा है कि हमको ये ठोक देंगे, हमको मार देंगे, हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी को मार देंगे। लॉरेंस का चुनाव लड़ना ठीक वैसा ही है जैसे वो गैंगस्टर खुद को राष्ट्रवादी बताता है, जैसे वो खुद को भगत सिंह का भक्त कहता है, जैसे वो खुद को बिश्नोई समाज का सिरमौर बताता है। उसी बिश्नोई समाज का जो हिरण को पवित्र मानता है, जिस हिरण कांड में सलमान खान फंसे हुए हैं, लॉरेंस बिश्नोई माफी मांगने के लिए चेता रहा है, नहीं तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब जब बाबा सिद्दीकी के बाद सलमान का तनाव बढ़ा हुआ है, तब राकेश टिकैत जैसी शख्सियत ने दबंग खान से कुछ यूं अपील की है। बड़ा समाज है बिश्नोई समाज, वो पर्यावरण और जीव की रक्षा करता है, उनका एक विवाद चल रहा। विवाद में ये है कि भाई जिसके खिलाफ वो हिरण मारने का केस है, उन्हें कहा कि हमारे समाज से हमारे मंदिर में कहीं पे भी जाके और सॉरी फील कर ले। अगर राय नहीं मटती हो तो सॉरी फील कर लो, हो जाती है गलती चलती भी।